स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली से ठीक दो दिन पहले जो पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसमें सबसे पहला धनतेरस, धन्वंतरि की जयंती, दूसरा नरक चतुर्दशी, उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, और तीसरा जो मुख्य पर्व होता है वो दीपावली का, दीपोत्सव का होता है, चौथा अन्नकूट गोवर्धन और पांचवा पर्व भाई दूज का। तो ये जितने भी पांचों पर्व हैं, धन्वंतरि से लेकर के यम, कुबेर, इंद्र, लक्ष्मी, वरुण, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं परिवारों की पूजा होती है, सब इन्हीं से, इन्हीं के निमित्त हैं। तो जिस तरह से धनतेरस के दिन आरोग्य के देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, उसी तरह से दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, और स्थानीय उसमें लोग जो है छोटी दीपावली भी उसको कहते हैं। तो आज नरक चतुर्दशी के विषय में कुछ खास बिंदु मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, अंत तक आप उसको देखें और उसका लाभ भी लें। दरअसल नरक चतुर्दशी जो है ये विशेष करके यम का दिन होता है, यमराज का दिन होता है, और इस दिन खास करके यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। घर की जो नाली होती है, नाली के ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ को मुँह करके दीपदान करना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और वो दीपक जला करके कोई इस तरह से उसको करना चाहिए कि घर का कोई वृद्ध सदस्य, बुजुर्ग सदस्य उस दिए को पूरे घर में भ्रमण कराए और इसके बाद में ले जा करके दक्षिण दिशा की तरफ या नाली के ऊपर उसको रखना चाहिए। इस तरह से करने से घर में जो आने वाली विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं, और अचानक किसी दुर्घटना आदि का जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस दिन यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो अकाल मृत्यु का भय तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया इसी तरह से है कि घर का कोई वृद्ध सदस्य, बुजुर्ग सदस्य दीपक जला करके पूरे घर में भ्रमण कराए और इसके बाद में ले जा करके दक्षिण दिशा की तरफ को मुँह करके उसको रखें या घर की नाली के ऊपर रखें। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि रूप चतुर्दशी, इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो इस दिन व्यक्ति सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए, रूप स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर सकता है, और इसीलिए इस दिन इसको रूप चतुर्दशी कहा जाता है। क्योंकि आज के दिन कोई जैसे किसी प्रकार का विशेष तेल आदि लगाने से, कोई विशेष प्रकार का लेप लगाने से, उपटन लगाने से रूप में, सौंदर्य में निखार आता है, तो इसलिए इसका नाम, जैसे अपामार्ग के पत्ते हैं उनको पीस करके या हल्दी को पीस करके लेप करके उसको लगाया जाए, इस तरह प्राकृतिक चीज़ों का अगर प्रयोग किया जाए तो वास्तविक रूप में, और अगर किसी को भी, किसी व्यक्ति को जैसे कोई शरीर पे, चेहरे पे कोई परेशानी है, इस तरह की कोई दिक्कत है, तो वो इस दिन इस प्रयोग को कर सकता है। हरिद्रा का लेपन करके, हरिद्रा को लेप करे शरीर पर और इसके बाद में उसके लेप से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम उपटन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेप के रूप में प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग किया जाए तो वास्तव में रूप में निखार आता है, सौंदर्य प्राप्त। नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था,
और नरकासुर जो था उससे पूरी पृथ्वी पर जितने देवता थे सब त्राहि त्राहि कर रहे थे, बहुत ही अत्याचार कर रहा था और 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। तो आज ही के दिन रूप नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उन 16,100 राजकन्याओं को जेल से मुक्त करा दिया, उसके कारागार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा, नरकासुर को मारा था इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी। तो ये दो चीज़ें बहुत ख़ास हैं कि इस दिन इसको करना चाहिए। वैसे तो इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है, कहते हैं कि हनुमान जी की भी पूजा करने से आपत्ति विपत्ति दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। और एक चीज़ और बहुत ख़ास है कि इस दिन अगर नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की विधिवत पूजा की जाए, उनके निमित्त दीपदान किया जाए और उनकी आराधना की जाए तो जेल आदि से भी छुटकारा मिल जाता है, बंदी जो है बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान, हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, सिंदूर अर्पण करे, मतलब जिस तरह से भी हो सके, अधिक से अधिक कम से कम उस तरह से हनुमान जी की आराधना करे, यम की आराधना करे। तो इस तरह से अगर किसी की इस तरह की मनोकामना है, कोई बंधन में पड़ा हुआ है तो बंधन से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। खास करके ये दिन जो है विशेष रूप से इसका प्रयोग करें और प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं, बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस बात का प्रमाण है, प्रमाणिकता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर के जेल से, उसके कारागार से राजकन्याओं को मुक्त कराया था। तो भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की भी पूजा इस दिन की जाती है और अगर उनकी भी पूजा की जाए तो इस तरह की मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो सकती हैं। तो एक तो आज के दिन यम के निमित्त दीपक जलाना सबसे ज़रूरी कार्य होता है और स्नान करना प्रातःकाल, प्राकृतिक उपटन लगाना, तेल लगाना, ये सब शरीर की आरोग्यता के लिए होता है। और दूसरा, अगर किसी की कामना विशेष है, कोई बंधन में पड़ा है तो वो हनुमान जी की आराधना करे, यमराज यम की आराधना करे, यम के निमित्त दीपदान करे, उनसे प्रार्थना करे, तो इस तरह से वो बंधनों से मुक्त हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।